चार्जिंग का मतलब क्या हो गया, पावर कंपनसेशन से कोरिलेट करो इसको। जब चार्जिंग करंट इंक्रीज हो रही है यानी पावर कंपनसेशन ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कोरोना लॉस है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर, इसकी वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी ना। क्योंकि तो अगर तुमको याद हो उस फॉर्मूले में न्यूमरेटर में एच आ रहा था और डिनोमिनेटर में आर था, क्लियर, ऐसा ही कुछ आ रहा था। तो अगर एच की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उस कंडीशन में आपका जो इफेक्ट ऑफ अर्थ सरफेस होगा उसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, जो कोरोना लॉस का टर्म है वो कम से कम होता जाएगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कोरोना लॉस क्या होगा, रिड्यूसेड इफ वी काउंट, तो आप अगर वर्ड में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इफ वी काउंट इफेक्ट ऑफ अर्थ देन द कंडक्टर हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम द अर्थ सरफेस से अगर कंडक्टर का हाइट बढ़ता ही जा रहा है, तो उस कंडीशन में कोरोना लॉस रिड्यूस, कोरोना लॉस डिक्रीज ही होता जाए। क्लियर, कोरोना लॉस की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। क्लियर है चीज, हेलो। यस सिंपल सा लॉजिक है इसका, चार्जिंग करंट से ही कोरिलेशन है इसका। क्यों, क्योंकि अगर एच की वैल्यू जितनी कम होती है, आप देखोगे डिनोमिनेटर में एच आता है तो एच की वैल्यू जितनी कम होगी कैपेसिटिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, कैपेसिटिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, चार्जिंग करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। क्लियर, तो चार्जिंग करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका मतलब क्या हो रहा है, कोरोना लॉस बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपका हाइट बढ़ता जाएगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू घटती जाएगी। आप फॉर्मूले में देखना, फॉर्मूले में समथिंग 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln d समथिंग प्लस मतलब अंडर रूट 1 + h² / 4d² करके कुछ आता है ना ये, हेलो, वो चीज देख लेना आप लोग। यहाँ पे वो चीज हम फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला मैं दिखा सकता हूँ, मैं कैपेसिटेंस का इफेक्ट ऑफ अर्थ कैपेसिटेंस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल गया था, ये मेरा फॉर्मूला निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एच की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो ये डिनोमेटर की वैल्यू क्या हो रही है, डिनोमेटर घट रहा है। डिनोमेटर घटने का मतलब क्या हो गया, सॉरी डिनोमेटर की वैल्यू बढ़ रही है, डिनोमेटर बढ़ने का मतलब क्या हो गया, ln d by something की वैल्यू क्या हो गई, घट गई, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई। क्लियर है चीज, वही चीज है यहाँ पे और कुछ है नहीं, ठीक है। इसी से कोरिलेट कर लेना, कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सिंपल है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम ये कह सकते हो कि एच की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता जाऊं तो एच की वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू घटना। क्लियर, इसकी वैल्यू घटने का मतलब क्या हो गया, एल एन समथिंग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमेटर की वैल्यू बढ़ जाना। जब ये बढ़ जाना यानी कैपेसिटी में से क्या हो जाना, घटते जाना। तो जितना ज्यादा कंडक्टर का हाइट ऊपर होगा, इफेक्ट ऑफ अर्थ उतना ही कम होता जाता है। क्लियर, ये चीज हमने डिस्कस भी थोड़ा बहुत किया होगा वहां पे, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या चीजें हैं जिसपे आपका कोरोना लॉस इफेक्टेड हो रहा है। किसी कुछ पूछना है इसमें, हेलो, फैक्टर फैक्ट्री में कुछ पूछना है, सर इन सारे फैक्टर्स में मतलब हमारे कंट्रोल में क्या होता है, जैसे टाइम ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तो होते नहीं है, तो बाकी सब कंट्रोल करके हम कोरोना लॉस रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे कंट्रोल में, मतलब यहाँ पे देखो कंट्रोलिंग नाम की चीज नहीं होती। मेन क्या होता है कि आपको हर चीज देखना है ना, कोरोना लॉस बहुत ज्यादा नहीं होता, होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना है तो आपको कोरोना लॉस को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। क्लियर, तो ऐसा नहीं है कि हम डिजाइनिंग कोरोना लॉस के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, ऐसा भी नहीं, ठीक है। वो मैकेनिकल टर्म वगैरह पे डिपेंड कर रहा है, बट इतना भी नहीं है कि हम डिजाइनिंग कोरोना लॉस को जीरो करने के लिए उस बेसिस पे हम डिजाइनिंग कर रहे हैं।
डिजाइनिंग के जो केल्विन लॉ ने जो अप्रोच दिया हुआ है उसी के थ्रू डिजाइनिंग करना है हमें, हमें चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज करना है। उस चॉइस के बाद अब कोरोना लॉ का जो फैक्टर आया उसमें हम कैसे डिक्रीमेंट कर सकते, अगर सेम वोल्टेज लेवल के लिए हमें चीजें करनी है तो हम कैसे डिक्रीज कर सकते, हमें इकोनॉमिकल चॉइस करना पड़ता है। ये नहीं कि कोरोना लॉ के चक्कर में पड़ के हम अपनी इकोनॉमी गवा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, समझे। इसीलिए तो रेडियस बढ़ाने के बजाय हमने बंडल कंडक्टर यूज कर लिया। तो कोरोना लॉस मेन क्या है कि हाई वोल्टेज ऐसी ट्रांसमिशन में ही ज्यादा पाया जाता है, बहुत एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या अल्ट्रा हाई वोल्टेज में या हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में ही होता है। क्लियर? ओके सर, ठीक है। तो अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज तो आपको पता ही चल गया क्या है, क्लियर। मैं अगर एडवांटेजेस की बात करूं तो बस एक ही एडवांटेज है इसका जो कोरोना होता है, क्लियर। मैं एडवांटेज ऑफ एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना बता रहा हूं यहाँ पे, क्लियर। सबसे मेजर एडवांटेज यही है कि जो कोरोना होता है, कोरोना बिहेव्स एज सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व की तरह बिहेव करता है। किस केस में वॉल्व, किस केस में, अगर मान लो स्विचिंग का फिनोमिना आता है अचानक से, मतलब लाइटनिंग स्ट्राइक कर जाती है, इन केस ऑफ स्विचिंग का मतलब क्या हो गया, अचानक से लोड फ्लक्चुएट कर जाए, इन केस ऑफ स्विचिंग लोड फ्लक्चुएट कर जाए, और इन केस ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक यानी जो बिजली गिरती है उस केस में, इन केस ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक, इस केस में ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह, मतलब उसके अराउंड होता है ना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अराउंड है, तो कंडक्टर के कंडक्टर सेफ्टी वॉल्व ऑफ कंडक्टर, तो उस कंडक्टर के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह ट्रीट करता है जब ये एबनॉर्मल फिनोमेना अकर होता है, क्लियर। इसके अलावा मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट है जिसमें कोरोना मतलब एडवांटेजेस पर्पस में यूज किया जाता है, बहुत सारे बेनिफिशियल होते हैं इसके, जैसे वांडेग्राफ जनरेटर होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं, हमें कोई चीज प्रेसिपिटेट करना है, एनालाइज करना है, तो वहां पे कोरोना का रोल होता ही होता है, क्लियर। तो इलेक्ट्रो प्रिंटिंग है जहाँ पे हमें प्रिंटिंग करनी है, तो इन सब चीजों में यूज होता है, क्लियर। तो कोरोना मतलब ऑल्सो यूज इन, मतलब आप लिख सकते हो अगर एडवांटेज की बात करें तो बेनिफिशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जब तक आयनाइजेशन नहीं होगा तब तक आपको प्रेसिपिटेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा आपका इलेक्ट्रो प्रिंटिंग होता है, क्लियर। प्रिंटिंग तभी पॉसिबल है जब एनर्जी विजिबल एनर्जी में चेंज होगी, ठीक है। इसके अलावा डिपोजिशन है, आयनाइजेशन काउंटिंग है, इन सब चीजों में यूज होता है, आयनाइजेशन काउंटिंग। अगर कोई आयनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है उसकी आपको काउंटिंग करनी है, तो उस कंडीशन में कोरोना का रोल बेनिफिशियल रोल होता है। लेकिन अगर हम पावर सिस्टम के टर्म में बात करें तो पावर सिस्टम के टर्म में कोरोना केवल और केवल एक ही एडवांटेज है कि लाइटनिंग स्ट्राइक या स्विचिंग फिनोमिना यानी एबनॉर्मल फिनोमिना के अंदर ये सेफ्टी वॉल्व की तरह ट्रीट करता है, यानी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी तो सबसे पहले उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जाला है जो एनर्जी कैरी कर रहा है उसको तोड़ना पड़ जाता है, क्लियर। डिसएडवांटेज ऑब्वियसली बात है पावर लॉस, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रिड्यूसेस ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। क्लियर। दूसरा डिसएडवांटेज नॉइज,
नॉइज की वजह से क्या होता है कि ये एक इन्फ्लुएंस छोड़ता है आपके कम्युनिकेशन सिग्नल में, जिसकी वजह से आपका रेडियो इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये रेडियो इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना होता है ये नॉइज की वजह से होता है, जो कि कम्युनिकेशन लाइन के सिग्नल में एक एडवर्स इफेक्ट छोड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो रिसेप्शन सिग्नल है यानी जो टीवी सिग्नल या रेडियो सिग्नल रिसीविंग एंड से रिसीव हो रहा है वो आपको प्रॉपर सिग्नल रिसीव नहीं होगा। क्लियर? ये दो मेजर ड्रॉबैक है कोरोना के। मेरे ख्याल से कोरोना का ड्रॉबैक क्लियर हुआ होगा, एडवांटेज भी क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेडियो इंटरफेरेंस, लास्ट टॉपिक है ये रेडियो इंटरफेरेंस। रेडियो इंटरफेरेंस क्या होता है, किसी ने पढ़ रखा है इसके बारे में थोड़ा बहुत? हेलो, ठीक है, चलो नहीं पढ़ा है तो मैं बता ही देता हूँ। ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियो इन्फ्लुएंस, इसको हम रेडियो इन्फ्लुएंस भी कहते हैं, रेडियो इन्फ्लुएंस। तो ये एक तरह का नॉइज होता है, इट इज अ टाइप ऑफ नॉइज, इज अ टाइप ऑफ नॉइज। ये एक तरह का नॉइज होता है जो किस में अकर होता है, ये अकर्स होता है, दैट अकर्स इन जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है ना, एएम रेडियो वेव होते हैं उसमें ये अकर्स होता है रेडियो सिग्नल। क्लियर? जो हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल होते हैं, एएम, आपने एएम एफएम पल्स विद मॉड्यूलेशन ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ी होंगी थोड़ी बहुत। क्लियर? तो जो एएम रेडियो सिग्नल होते हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं यानी जो कम्युनिकेशन लाइन में पाए जाते हैं, जैसा मैंने बताया था तुम लोगों को इसके पहले भी लास्ट वाले क्लास में भी डिस्कस किया था, कंडक्टर लाइन के ऊपर एक कैरियर सिग्नल कैरी करता हुआ कम्युनिकेशन लाइन भी होता है। तो ये जो नॉइज टाइप है वो अकर्स होता है एएम रेडियो सिग्नल में, और ये किसकी वजह से अकर हो रहा है, ये अकर्स हो रहा है पावर कंडक्टर की वजह से। क्लियर? तो पावर कंडक्टर की वजह से ये नॉइज रेडियो नॉइज अकर्स होता है। क्लियर? जिसकी वजह से क्या होता है आपका एक इंटरफेरेंस इंक्लूड करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है आपका, कोरोना नॉइज इंक्लूड इंटरफेरेंस विद रेडियो। ये चीज होने की वजह से आपका कोरोना क्या कर रहा है, जो कोरोना का नॉइज है, कोरोना नॉइज इंटरफियर विद कैरियर सिग्नल, इंटरफियर विद कैरियर सिग्नल का मतलब वही विद रेडियो सिग्नल, यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं तो रेडियो सिग्नल भी आता है इसमें, टीवी सिग्नल भी आते हैं। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रेडियो इंटरफेरेंस। क्लियर? तो जो कोरोना नॉइज है वही इंटरफेयर कर रहा है इस सिग्नल के लिए। तो कोरोना नॉइज क्या होगा, कोरोना नॉइज किसकी वजह से, ऑब्वियसली बात है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ लाइन जितना ज्यादा होगा आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल डिस्टर्बिंग वोल्टेज जितना ज्यादा होगा कोरोना उतना ही ज्यादा अकर्स होगा, उतनी ही ज्यादा साउंड में होगा। तो वही चीज इंटरफेयर करते हैं रेडियो सिग्नल को, इसीलिए हम इस फिनोमेना कहते हैं रेडियो इंटरफेरेंस। क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि रेडियो इंटरफेरेंस होता क्या है। रेडियो इंटरफेरेंस जो होता है ना कि मतलब आप ये कह सकते हो कि मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव में दोनों तरीके से हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इंटरफेरेंस की, जो आपका रेडियो इंटरफेरेंस हो रहा है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका दोनों तरीके से हो सकता है। क्लियर? किसकी किसकी वजह से, यानी ये क्या हो रहा है इंटरफेरेंस, थोड़ा सा टाइम बस मैं लूंगा, ज्यादा परेशान मत होना तुम लोग, ये लास्ट टॉपिक है इसको खत्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट शुरू करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें टाइम ले रहा हूँ। तो ये इंटरफेरेंस इन द कम्युनिकेशन लाइन होता है, जो कम्युनिकेशन लाइन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन लाइन किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग द ट्रांसमिशन लाइन, जैसा मैंने बताया था, जरूर ध्यान देना, ट्रांसमिशन लाइन के अलॉन्ग जो आपका कम्युनिकेशन सेगमेंट गया हुआ है, ऊपर देखना बहुत पतली सी दो वायरें गई होती हैं।
क्लियर। इंटरफेरेंस इन द कम्युनिकेशन लाइन है, किसकी वजह से ये इंटरफेरेंस होता है? क्लियर। दो चीजें हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इफेक्ट एज वेल एज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा टाइम लूंगा, बस खत्म होने वाला है। इन दो इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि आपका रेडियो इंटरफेरेंस का फिनोमिना अक्रस होता है। होता क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? करंट से रिलेटेड टर्म है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हो गया? वोल्टेज से रिलेटेड टर्म है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करूं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये करंट प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस करंट। क्लियर। और ये जो करंट सिग्नल होगा वो सुपर इंपोज होगा किस पे? कम्युनिकेशन सिग्नल पे, विच सुपर इंपोज ऑन द कम्युनिकेशन सिग्नल। Yes. जब ये कम्युनिकेशन सिग्नल पे सुपर इंपोज होगा तो ऑब्वियसली बात है ये नॉइज क्या कर रहा है, इंटरफियर कर ही रहा है उस कम्युनिकेशन सिग्नल को, यानी सिग्नल क्या हो जाएंगे, सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड। सिग्नल में आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टॉर्शन मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है सिग्नल डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्या करेगा, इंड्यूस्ड जो चीज यहाँ पे आपका करंट हो रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट करेगा आपका इंड्यूसेड वोल्टेज, इंड्यूसेड वोल्टेज। क्लियर। जब ये वोल्टेज इंड्यूस करेगा इन कम्युनिकेशन लाइन में, तो सेम लॉजिक सेम चीज फिर से लिख देना आपको, जब ये कम्युनिकेशन लाइन में आपका वोल्टेज इंड्यूस कर दिया तो क्या आ जाएगा कि वोल्टेज सिग्नल को कैरी करना ना एक लो वोल्टेज लेवल के अप्लायंसेस के लिए बहुत ही इजी टास्क नहीं होता। लो वोल्टेज अप्लायंसेज का मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो क्या होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज डिवाइस। लो वोल्टेज डिवाइस मतलब जो मिली वोल्ट पे या माइक्रो वोल्ट लेवल पे होता है। जब आपका वोल्टेज कम्युनिकेशन लाइन में आ जाएगा जो कि हाई वोल्टेज है, जो किलो वोल्ट में है और मेगा वोल्ट में है, अगर आपका कम्युनिकेशन लाइन वोल्टेज जो मिली वोल्ट में ऑपरेट होता है या 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, उसमें अगर ये इंड्यूस कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट की वजह से तो चलो सिग्नल में डिस्टॉर्शन हो गया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विच इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है जो लो वोल्टेज पे काम करता है वो कभी इसको कैरी नहीं कर सकता, वेरी डेंजरस। ऑब्वियस सी बात है डेंजरस होगा इन हैंडलिंग द सिग्नल, इन हैंडलिंग, हाँ ठीक है, इन हैंडलिंग द सिग्नल एट रिसीविंग एंड। यस, रिसीविंग एंड पे इस सिग्नल को हैंडल करना उसके लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स में लो वोल्टेज अप्लायंसेज ही यूज करते हो। यस, जो भी आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करो या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन यूज करो, वो 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, और सिग्नल अगर आपका 12 वोल्ट के बजाय किलो वोल्ट में एनर्जी कैरी कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो उस अप्लायंस को वहीं पे खत्म कर देगा। क्लियर। तो इस ये दो इफेक्ट आते हैं। मेन डिस्टॉर्शन जो होता है, जो रेडियो इंटरफेरेंस फिनोमिना होता है, वो केवल और केवल मतलब अगर हम मेजोरिटी देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना पे ज्यादा फोकस होता है। ये दोनों इफेक्ट है जिसकी वजह से आपको रेडियो इंटरफेरेंस मिलता है। तो मेरे ख्याल से आपको रेडियो इंटरफेरेंस क्लियर हुआ होगा क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में बात करूँ तो दो टर्म होते हैं रेडियो इंटरफेरेंस के लिए, आर आई इक्वल टू, यानी रेडियो इंटरफेरेंस होता है आपका कॉन्स्टेंट सी ई मैक्स, जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है, इंटू 2 पावर n डेसिबल होता है। क्लियर। या फिर और जो रेडियो इंटरफेरेंस होता है वो आपका, वो आपके डायमीटर पे डिपेंडेंट होता है। अगर आपका वोल्टेज फिक्स है तो उस कंडीशन में वो केवल केवल डायमीटर पे फोकस होता है। डेसिबल, किसी भी सिग्नल की यूनिट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे ना, वहां पे देखना किसी भी सिग्नल की यूनिट जो होती है वो डेसिबल में होती है,
और जो एन की वैल्यू होती है वो यहाँ पे 5 to 7 के बीच में होता है, एन इक्वल टू 5 to 7 होता है, ठीक है। और सी यहाँ पे कांस्टेंट है, ई मैक्स आपका मैक्सिमम वोल्टेज है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, अगर आपका वोल्टेज फिक्स है तो वो रेडियस पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस को मापने की कोशिश करूँ कि आप अगर रेडियो नॉइज के को मेजर करना चाहते हैं तो डेसिबल में भी मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा ऑल्सो मेजर्ड इन माइक्रोवोल्ट पर मीटर, यानी वोल्टेज पर मीटर में भी आप इसको मेजर कर सकते हैं, क्लियर। हालांकि आप इसको लॉगरिथम स्केल में ले जाके डेसिबल में भी मेजर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीजें, और ये यूनिट यहीं पे खत्म है, ठीक है। तो आप लोगों